लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मजे की भीख माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की, ओ वेखो ना रोजे दे दुआले ने गुलाम दिया टोलियां। एक दफा हुजूर की जुबान ने नूर से निकला, एक दफा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है। एक दफा निकला, एक अवैस करनी है। कर्न की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक रखते हैं, बाप का नाम आमिर है, उवैस भी नामर कहलाते हैं, बरस के निशान थे। ये देखो ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई, कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारो कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है, महबूब का पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की, ओ वेखो ना रोजे दे दुआले ने गुलाम दिया टोलियां। वो एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां, और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबद खजरा को हाल दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर एक उवैस बिन आमर नाम का शख्स है, कर्न का है, मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है, माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर ग़ुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं, ग़ुलामों की, बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या है, और बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा, माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया उमर उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना तो उसे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हज़रत उमर ने, जो बंदा भी यमन से आए उमर पूछे, उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो, जो भी मिले ना हज़रत उमर पूछे अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हज़रत अवैस खुद ही आ गए, हज़रत उमर की मुलाकात हो गई। अब ज़रा देखना निशानियां बता रहे, कहने लगे आपका नाम उवैस भी नामर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ, कहने लगे उठाओ फिर हाथ मेरे लिए दुआ करो। हज़रत अवैस बिन आमिर अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर मैं आपके लिए दुआ करूं। फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना, हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया, एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफ़ा कि वहाँ से आएगा, एक दफ़ा वो नक्शा बताया था कि वो कर्न का यमन का, एक दफ़ा कहा था वो आएगा, बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अवैस करनी से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं, ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हज़रत अवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूँ कि अवैस आ रहा है। तो हज़रत अवैस करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ, असी किसे देखो जी नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे, हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, हम तो पीछे बैठना बस, किसी को नज़र आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नज़र में हैं आप नज़र में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है, जब उनकी नज़र में है तो फिर कैमरे की नज़र में आए चाहे।
हज़रत अवैस कहने लगे ज़रूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हज़रत उमर से मिलने कूफे का, तो जनाब उमर फरमाने लगे अवैस करनी को जानते हो? का हुजूर जानता तो हूँ अवैस बिन आमिर को, जानता तो हूँ हज़रत अवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज़्यादा वसत वाले नहीं। हज़रत उमर कहने लगे तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता, वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हज़रत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हज़रत उमर कहने लगे वापस जाना तो उससे दुआ कराना। ये रईस वापस गए, हज़रत अवैस से मुलाकात हुई रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे आप हज करके आए हैं आप दुआ करें? कहा नहीं आप करें। कहने लगे आप हज करके आए आप करें? कहने लगे नहीं आप करें। तो हज़रत अवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए हो।